हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रमोहन सिंह। स्वागत है आप सभी का Zen 5 ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के सीरीज में हम ये जानेंगे कि किसी भी वेबसाइट पे हम या किसी वेबसाइट के थ्रू हम कैसे एक कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक और बिगिनिंग तरीका है जिसके जरिए हम एक कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एक कैलकुलेटर की डिजाइन पहले ही से बना रखी है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा है। आप कोई भी डिजाइन अपने मन से, कुछ भी एक सिंपल सा एक डिजाइन आप बना लीजिए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक इस डिजाइन का कोड यहाँ दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये मैंने HTML का कोड यहाँ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस कोड को या तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, या तो आप इस कोड को देख लीजिए। मैं इसे वन बाय वन समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे किया क्या है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने एक H1 के बाद एक कैलकुलेटर लिख दिया है, एक डिव लिया है और डिव के अंदर मैंने एक फॉर्म टैग लिया है। ठीक है, अब इस फॉर्म टैग के अंदर, जैसे मैंने कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर्म के जरिए ही हम इनपुट को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे फॉरवर्ड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे कई सारे इनपुट टैग्स लिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट टेक्स्ट। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, 1 2 3 4 चार मैंने सबमिट बटन लिया और एक लास्ट में रिसेट बटन लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं बेसिक एक बार यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 3 इनपुट बॉक्स लिया है। ठीक है, जिसमें मैं नंबर फिल करूंगा और यहाँ पे मैंने 1 2 3 4, ये चारों क्या है, एक सबमिट बटन है। ठीक है, इस बटन के अलग अलग नाम है और यहाँ पे लास्ट में क्या है, रिसेट बटन है। तो टोटल कितने बटन हुए यहाँ पे हमारे, 5 बटन और 3 ये क्या हुए, इनपुट फील्ड हुए। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या लिया, 3 इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है और 1 2 3 4 चार सबमिट बटन और एक लास्ट में रिसेट बटन लिया है। हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज, सारे बटन का मैंने नाम अलग अलग रखा है। जैसे कि सबसे पहले वाले का नाम क्या है, ऐड है, दूसरे वाले का नाम सब है, तीसरे वाले का नाम मल है और चौथे वाले का डिव है। ठीक है, रिसेट बटन की कोई नाम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे क्या करना है, चीजों को रिफ्रेश करना है। ठीक है दोस्तों, अब इस बेसिस पे मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे एक PHP के कोड को लिखूंगा। तो ये प्रीवियस कोड था हमारा, मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करूंगा। तो कोड में मेरा क्या होगा, सबसे पहला पार्ट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैंने 2 नंबर यहाँ पे लिखा और उस 2 नंबर को ये क्या करेगा, अगर मैंने 2 नंबर लिखा यहाँ पे और लिखने के बाद अगर मैं ऐड पे प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, ये दोनों नंबर का एडिशन यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, और अगर मैं सब पे करता हूँ, तो इन दोनों नंबर में से पहले वाले में से दूसरे वाले को क्या करके, माइनस करके यहाँ पे रिजल्ट दिखाए, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके दिखाए और डिवीजन करके दिखाए। और अगर मैंने गलती से कोई नंबर लिख दिया है, मैं उसे चाहता हूँ रिसेट करना, तो मैं रिसेट पे प्रेस करूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो पूरा नंबर इरेज होकर के वापस ब्लैंक स्क्रीन मुझे दिखनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ये 2, इसमें मैंने पहले एक नंबर 1 का N1 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ N2। ठीक है, मतलब इन दोनों फील्ड्स के मैं नाम, मतलब ये अब पहले वाले और दूसरे वाले का मैं नाम लिख देता हूँ। तो इसका पहले वाले का नाम N1 है और दूसरे वाले का N2 है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले कंडीशन दूंगा, कंडीशन में क्या होनी चाहिए, मुझे कंडीशन मेरा होना चाहिए इफ नॉट एम्प्टी। ठीक है, नॉट एम्प्टी मतलब भरा हो, क्या भरा होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले किस पे काम करना चाहता हूँ, पोस्ट के जरिए मैं क्या लूंगा, सबसे पहला एड पे काम करूंगा, मतलब ये एडिशन वाला, अगर मैंने एडिशन वाले बटन को प्रेस किया, मतलब मैंने इस बटन को प्रेस किया, तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रिसीव करवाता हूँ ADD एड को। ठीक है, अब इसके अंदर मैं इस ब्लॉक के अंदर जाऊंगा, इस ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं रिसीव करूंगा डॉलर पोस्ट, और डॉलर पोस्ट में मैं किसको रिसीव करूंगा, यहाँ पे N1 को। ठीक है, N1 को रिसीव करूंगा और इसी के साथ साथ मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद इसे मैं नीचे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों बटन का नाम भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, सिंपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ N2। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ N, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ N1। ठीक है, N1 और N2 ये दोनों नंबर मैंने रिसीव यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये बहुत ही बेसिक कोड है। ठीक है, अब मैं इसके बाद मेन काम क्या करूंगा, मैं इसे क्या कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसके अंदर मैं क्या करवाना चाहता हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पे RESULT रिजल्ट, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या हो, N1 और N2 प्रे क्या हो जाए, एक दूसरे में ऐड हो जाए, और ऐड होकर के आउटपुट किस में आए, इस रिजल्ट में आए। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करके मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं बेसिकली चाहता क्या हूँ। ठीक है,
अब आप टेस्ट करना चाहते हो कि आपका रिजल्ट भी दिख जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा इको करवा के आप देख लीजिए दोस्तों कि ये एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं इसे इको करवा देता हूँ, मतलब आप देखना चाहता हूँ मैं अपने इस आउटपुट को, मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आप देख लीजिए दोस्तों, कुछ छूटा है इसमें, नहीं कुछ छूटा नहीं है। चलिए वापस अपने वेब ब्राउजर पर जाते हैं। अब मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 25। ठीक है, और 25, तो 25 और 25 को मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या प्रेस करूंगा, ऐड, तो मुझे यहीं कहीं पे आउटपुट दिख जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऊपर क्या लिख के आ रहा है, 50, तो मतलब आउटपुट मेरा सही आ रहा है। लेकिन मैं इस आउटपुट को यहाँ पे नहीं देखना चाहता हूँ, मैं इस आउटपुट को यहाँ इसके अंदर देखना चाहता हूँ, इस बॉक्स के अंदर देखना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सिंपली ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं आता हूँ HTML के कोड में, और यहाँ पे जो ये वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये थर्ड इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स जो है, मैं इसके अंदर PHP के कोड को लिखूंगा। और किस कोड को लिखूंगा, मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसे यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ PHP के कोड को लिखूंगा। ठीक है, वैल्यू के अंदर मैंने क्या किया, PHP के कोड को लिख दिया। ठीक है, और अब इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, अब इसे सेव करता हूँ और अब आगे बढ़ता हूँ, फिर से आता हूँ यहाँ पर और इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कुछ आपको दिख रहा होगा गलत सलत था, लेकिन ये गलत नहीं है, मैं आपको इसे समझाऊंगा कि यहाँ पे आपको करना क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब फिलहाल मैं 70। ठीक है, और नीचे मैं देता हूँ 30, तो 70 और 30 को मैं अगर ऐड करूंगा तो कितना होना चाहिए, 100। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या आता है, 70 और 30 को ऐड किया तो कितना आ गया, 140। ये गलत आ रहा है क्योंकि लगता है मुझे कुछ गड़बड़ मैंने कर दिया है। मैं इसे फिर से देखता हूँ, N1 और N2, तो एक बार मैं फिर से इसी चीज को ऊपर प्रिंट करवा के देखता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं इको करवाता हूँ, देखता हूँ ये क्या आता है आउटपुट में। ठीक है, चलिए मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, और फिर से मैं यहाँ लिखता हूँ 70 और नीचे लिख देता हूँ 30। ठीक है, ऐड करवाता हूँ, देखूँ क्या आता है, 140 आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब कुछ 70 और 70 ऐड हो रहा है आई थिंक, इसलिए ये कुछ ऐसा आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैं N1 और N2 मैंने प्लस किया, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो गई, ये देखिए मैंने पोस्ट में N1 लिया, मतलब ये पहले वाले बॉक्स की मैंने वैल्यू ली है, लेकिन दूसरे वाली बॉक्स की वैल्यू मैंने नहीं ली है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, N2 करता हूँ, सेव करता हूँ और फिर से और इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसे यहाँ से हटा देता हूँ, सेव करता हूँ और फिर से रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ 70 और यहाँ पे नीचे कर देता हूँ 100, इसका मतलब 70 और 100 कितना हो जाना चाहिए, 170। तो मैं ऐड पे प्रेस करता हूँ, देखिए कितना आ रहा है आउटपुट, 170 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बेसिक समझ में आया ये कैसे काम कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है। बेसिकली ये एरर नहीं आ रहा है, ये वैल्यू वो प्रिंट कर दे रहा है, तो मुझे इसे छुपाना है। मैं चाहता हूँ कि जब वहां पे मैं एक्चुअल में आउटपुट आए तभी वो वहां पे दिखे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली मैं थोड़ा सा बदलाव करूंगा, मैं यहाँ पे PHP हटा करके ये सारे मैं इसे PHP हटा के यहाँ पे ये कर दूंगा बस सिंपली। देखिए दोस्तों, इसका कुछ स्पेशल सा कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे बस क्या बदलाव किया है, मैंने PHP हटा करके इक्वल टू लगा दिया, कोई स्पेस नहीं दिया है और उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अभी भी ये डायरेक्ट प्रिंट कर रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके लिए सिंपली ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं वापस से उसी कोड को लिख देता हूँ और अब इसके आगे मैं लिखा देता हूँ कंडीशन। कंडीशन क्या, इफ अगर रिजल्ट में वैल्यू है, ओके, मतलब कि अगर इफ नॉट एम्प्टी, मतलब एम्प्टी ना हो क्या, रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट क्या है हमारा, एक वेरिएबल है। ठीक है, मैं इसे नीचे दूसरे लाइन में लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो दोस्तों आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्या दिया है, कंडीशन, कंडीशन यहाँ पे मैंने वैल्यू के अंदर क्या दे दी है, PHP का मैंने कोड लिखा, इफ अगर एम्प्टी ना हो, मैंने नॉट का सिंबल लगाया, इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी ना हो, मतलब ये खाली ना हो, मतलब भरा हुआ है रिजल्ट, तभी ये क्या दिखाए, इस रिजल्ट की
वैल्यू को दिखाए। ठीक है, अब मैं इसे रन करवा के दिखाता हूँ आपको। देखिए अब तो कोई एरर नहीं आना चाहिए 101%। देखिए यहां से इसने सारी चीजों को गायब कर दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वापस से नंबर लिखता हूँ लाइक 900 एंड 100। ठीक है, और मैं इसे ऐड करता हूँ तो देखिए क्या हुआ, 1000 आउटपुट आ गया। ठीक है, अब दोस्तों आप ये चाहते हो कि ये ऊपर वाली जो वैल्यूज के बॉक्सेस हैं इसमें भी नंबर दिखे, तो क्या इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं इसी वैल्यू वाले को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, पूरे पीएचपी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं नंबर वन और यहाँ पे नंबर टू को यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ। मतलब नंबर वन आप ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे पोस्ट में क्या वैल्यू आ रही है, N1 और N2 में, तो मैं इस N1 और N2 को यहाँ पे, इस वेरिएबल को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ N2, और इसके अंदर भी मैं क्या कर देता हूँ N1। ठीक है, N1 और N2 आप देखिए का, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ N2, और इसके आगे भी मैं क्या कर देता हूँ N2। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसे वापस से रिफ्रेश करता हूँ, नंबर डालता हूँ यहाँ पे लगभग 400 और 200, तो कितना होना चाहिए ऐड करने पे 600। देखिए दोस्तों 400, 200 और आउटपुट क्या आ रहा है 600। तो ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, अब इसी तरह आपको सब्ट्रैक्शन का भी बनाना है, मल्टीप्लिकेशन का भी और डिवीजन का भी। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, आपको बस छोटा सा काम करना है, बस इसको कॉपी करिए यहाँ से और अलग अलग नाम दे दीजिए, जैसे कि 1, 2, 3 और ये 4। तो मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं सब लगा देता हूँ, मतलब सब्ट्रैक्शन का, और यहाँ पे मैं नंबर को क्या कर देता हूँ माइनस में कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके आगे मैं लगा देता हूँ MUL मतलब मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे मैं प्लस की जगह क्या कर देता हूँ मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ। ठीक है, सेम यहाँ पे मैं इसे यहाँ कर देता हूँ डिव, और डिव के बाद यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डिवीजन। ठीक है, ओके दोस्तों ये हो गया है। अब आप देखिएगा इसका क्या आउटपुट आता है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20 और इसका 10, तो मैं चाहता हूँ ये 20 और 10 में क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, तो मैं इसे एंटर करता हूँ, देखिए क्या हो गया दोस्तों 200 आ गया। अब मैं इसी का क्या करता हूँ, 20 और 10 का क्या करता हूँ वापस से सब्ट्रैक्शन, देखिए क्या आता है 10। ठीक है, अब मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या आना चाहिए मुझे, मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए 20 और 10 को डिवाइड करने पे 2। सही है दोस्तों, मैं प्लस कर देता हूँ मतलब क्या आना चाहिए 30। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक छोटा सा तरीका जिससे कि आप एक छोटा सा या सिंपल सा एक कैलकुलेटर बना सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक सा कैलकुलेटर है, ठीक है, मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन आप इसे ट्राई करिएगा ताकि आपकी बेसिक्स क्लियर हो। ठीक है, आगे मैं इससे टफ और इससे अच्छा कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा और भी बहुत सारी चीजें हम करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब।